ग्वालियर के लाला बाजार इलाके में रहने वाली एक युवती का फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर उसके फोटो वीडियो वायरल करने की शिकायत पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया गया है कि शातिर आरोपी ने पीड़िता के नाम पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर पीड़िता के नाम से गलत मैसेज वायरल किया और जब यह मैसेज पीड़िता के परिजनों तक पहुंचे तब युवती को पूरे मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद उसने ग्वालियर क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की। पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी है, जिसके लिए साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। युवती की फेसबुक आईडी स्ट्रांग आईडी बनाई गई है, क्या प्रॉब्लम है? एक फरियादी के द्वारा जो कि लाला बाजार की रहने वाली है, लाला बाजार ग्वालियर की रहने वाली है, उसके द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में एक आवेदन दिया गया था, उसकी जाँच पर थी। ये पाया गया कि उसकी जो फेक आईडी बनाकर अलग अलग नामों से इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट और फेसबुक पर और उसका फोटो अपलोड किया जा रहा है और ऑब्सीन लैंग्वेज का उसमें यूज किया जा रहा है। तो इस आधार पर थाना क्राइम ब्रांच पर आईडी टीम ने धारा बदल के फैसला किया, इन्वेस्टिगेशन किया गया है।